व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टोरी ऑफ ए गर्ल। तो ये एक 14 साल की एबी हर्नांडिस की ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपको भी जानना है कि उसके साथ क्या हुआ तो उसके लिए आपको ये कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम अमेरिका में रहने वाली एक माँ और बेटी को देखते हैं। बेटी अभी हर बार की तरह अपनी स्कूल के लिए लेट हो जाती है जिस वजह से उसकी बस मिस हो जाती है। उसकी मॉम, जिनका नाम जेनिया है, वो एक नर्स की जॉब करती हैं और उन्हें भी हॉस्पिटल जल्दी जाना होता है जिस वजह से वो अभी को बिना देखे ही वहाँ से निकल जाती हैं। अब यहाँ अभी बहुत ही परेशान थी क्योंकि आज उसका स्कूल जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो पैदल ही अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर पे उसका पड़ोसी उसे मिल जाता है जो उसे अपनी कार से उसे स्कूल तक लिफ्ट दे देता है। अभी भी उसे जानती थी इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी कार में बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक में जेनिया स्कूल आती है और वो अभी को उसके सॉक्स देती है जो कि वो घर पर ही भूल आई थी। लेकिन यहाँ पर उसे अपनी माँ से बात करने में शर्म आ रही थी क्योंकि उसके सारे दोस्त उसे देख रहे थे और वो उनसे कहती है कि वो घर पर आकर उनसे बात करेगी। लेकिन इस बात से वो बेखबर थी कि आज शायद वो अपनी माँ को आखिरी बार देख रही है। इसके बाद वो अपनी क्लास में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद स्कूल ऑफ हो जाता है पर एक बारी फिर उसकी बस मिस हो जाती है। अब वो बहुत ही परेशान होने लगती है कि अब उसे फिर से पैदल ही घर जाना होगा। लेकिन थोड़ी दूर पे उसे फिर से एक कार मिलती है, लेकिन दोस्तों इस बार वो कार वाला एक स्ट्रेंजर होता है। वो उसे नहीं जानती थी, उसकी माँ ने भी उसे मना करा था कि वो किसी अनजान के साथ नहीं जाएगी, पर वो कार वाला उसे काफ़ी अच्छे से पेश आता है और वो उसे बेटा बेटा कह के फुसला लेता है, जिसे एबी भी उसके साथ बैठने के लिए हाँ कर देती है। और यहाँ हो जाती है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो कि आपको कभी नहीं करनी है दोस्तों। अब जो आगे उसके साथ होने वाला है शायद वो कभी भी ना भूल पाए। एबी अपने घर का लोकेशन उसे बताती है पर थोड़ी दूर जाने पर वो नोटिस करती है कि ये कार असल में कहीं और ही जा रही है। ये देख के वो घबरा जाती है और दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस आदमी ने डोर को लॉक करके रखा था। वो उसे चुपचाप बैठने को कहता है लेकिन एबी नहीं मानती और वो चिल्लाने लगती है। और तभी वो आदमी उसके ऊपर बंदूक तान देता है और फिर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि एबी बिल्कुल शांत हो जाती है। वो उसे कैप पहना देता है जिससे कि कोई भी उसे देख ना सके। अब थोड़ी देर बाद हमें उस आदमी का घर दिखाया जाता है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में था। वह एबी को लेके अंदर जाता है और उसकी आंखों पे टेप लगा देता है जिससे कि वो कुछ भी देख ना सके। फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। अब इस आदमी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके इरादे क्या हैं। वो बस एबी के साथ बुरे कामों को करने के लिए उसे यहाँ पर लेके आया है। अब वो आदमी उसे बार बार धमकी देता है कि अगर वो चिल्लाई तो वो उसे गोली मार देगा क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे बंदूकें भी है, क्योंकि वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसके काफ़ी दोस्त भी मिलिट्री में हैं। अगर उसने कुछ भी चालाकी करी तो वो उसके पूरे परिवार को उनसे कह के मरवा देगा। अब एबी ये सुन के डर जाती है और वो चुपचाप उसका कहा हुआ सब कुछ मानती है क्योंकि उसे जिंदा घर जाना है। इधर हम जेनिया को देखते हैं जो अब पूरी तरह से परेशान हो गई थी क्योंकि एबी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अब वो तुरंत ही पुलिस में कंप्लेन करती है जिसे कुछ पल बाद उसके घर पर पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है क्योंकि एक 14 साल की लड़की यहाँ पर गुम हुई थी। सारे लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं और पुलिस उसके सारे सामानों को चेक करती है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है, पर इतना सब करने के बाद भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगता। अब पुलिस को ये भी पता चलता है कि उसे आखिरी बार एक कार में चढ़ते हुए देखा गया था, तो शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। लेकिन उसकी माँ कहती है कि इतनी छोटी लड़की इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है। वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है। पुलिस को भी समझ आता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सारे न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को कवर करने लगते हैं और पुलिस भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है उसे ढूंढने के लिए। कुछ लोग जेनिया की मदद करने के लिए आगे आते हैं जिसमें से कुछ टीनेजर भी होते हैं। उन्होंने हर जगह एबी की मिसिंग पोस्टर लगाए हुए थे और साथ में कैंडल मार्च भी निकाला था, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। एबी का नामो निशान तक कहीं भी नहीं था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई एलियन उठा के ले गया हो। अब इस केस को जब इतनी अटेंशन मिल रही थी तो वो किडनैपर भी टीवी पर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और यहाँ पर हम उसका असली चेहरा देखते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था जो कि हर साइको किडनैपर को आता है। और वो न्यूज़पेपर लेके एबी के पास जाता और उसे मिसिंग रिपोर्ट दिखाता है। वो एबी के सामने अपना असली चेहरा नहीं दिखाता था, उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। उसके जाने के बाद एबी उस न्यूज़पेपर को पढ़कर रोने लगती है और उसे अब बस घर जाना था। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। वो अनजान इंसान अब दिन ब दिन और जालिम होता जा रहा था
वो उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगता है। उसने एबी के गले में एक इलेक्ट्रिक कॉलर डाल दिया था जिसे अगर वो चिल्लाए तो उसे और ज़्यादा शौक लगेगा, और वो कभी कभी उसे खुफिया कमरे में बंद करके रखता था। हर वक्त वो आदमी उसे बातें करता रहता था जो एबी को ज़रा भी समझ नहीं आती थी, लेकिन उसने कभी भी खुद से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी थी और ना ही कभी उसने अपना नाम बताया था। अब एबी को समझ आ गया था कि ये आदमी बहुत ही चालाक है, अगर उसे यहाँ से ज़िंदा अपने घर जाना है तो उसे मैनिपुलेट करना होगा, उस आदमी की सारी बातों को हंसते हुए मानना होगा और तभी वो यहाँ से ज़िंदा निकल पाएगी। अब इसी तरह से पूरे 33 दिन बीत जाते हैं जी हाँ दोस्तों, और यहाँ उसकी माँ ज़ेंदिया ने अपना आपा खो दिया था। वो पुलिस के ऊपर चिल्लाती है कि आखिर वो इतने दिनों से कर क्या रहे हैं, उसकी बेटी अभी तक क्यों नहीं मिली। और वहीं हम उस अनजान आदमी को देखते हैं जिसके ऑफिस में भी लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा अजीब सी बातें करता था, उसे हमेशा बॉस से डांट भी पड़ती थी और शायद यही वजह है कि वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन एबी पर निकाल रहा था। अब वो घर आकर उसे बहुत ही मारता है और उसके साथ गलत काम करता है, लेकिन एबी कुछ भी उसे नहीं बोलती। उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो ये आदमी उसे जान से मार देगा, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातें मानती जा रही थी। अब धीरे धीरे वो उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगती है, वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसके साथ रहना उसे अच्छा लग रहा है, और कुछ ही दिनों में उसकी ये ट्रिक अब धीरे धीरे काम भी आने लगती है। वो आदमी अब उसे खूब बातें करता था लेकिन एबी को अभी तक उसका नाम तक पता नहीं था, जिस वजह से वो उसे फिलिप्स नाम देती है। अब वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे और स्मार्ट होगे, पर लोग शायद तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए उन्हें तुम बुरे लगते हो। वह हंसती हुई ये सारी बातें बोलती है। अब फिलिप्स को भी ये सुन के एक सुकून महसूस होता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी, इसलिए वो उसके साथ अब ज़्यादा कोई बदतमीज़ी नहीं करता, और अगर एबी ने ये ट्रिक और कुछ दिन चलाई तो शायद वो उसे यहाँ से जाने दे। अब इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं और पूरे 65 दिन हो जाते हैं, और एक दिन जब फिलिप्स अपने काम से घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि उसके ऑफिस के बाहर ये एबी की मिसिंग पोस्टर लगी है। ये देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ था, लोगों को इसके बारे में याद था, और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एबी को एक लेटर लिखने को कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और उसने अपनी मर्जी से ये किया है, और वो ये लेटर ज़ेंदिया को पोस्ट करने वाला था एक अननोन नाम से। लेकिन ये एबी एक चालाकी दिखाती है, वो उस लेटर के पीछे हेल्प लिख देती है ताकि उसकी मॉम जब ये देखें तो वो समझ जाएं कि वो खतरे में है। अब फिलिप्स उस लेटर को लेके पोस्ट ऑफिस जाता है, पर बीच रास्ते में वो उस लेटर के पीछे हेल्प लिखा हुआ देख लेता है, और फिर क्या था, हमें जिस बात का डर होता है वही होता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर देता है और एबी जितना चिल्लाती है उसके गले में वो इलेक्ट्रिक कॉलर और शॉक देता रहता है। और यहाँ पर एबी को आज लगने लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, पर एबी उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और उसे भीख मांगती है कि वो उसे मारे ना। अब ये देखकर शायद उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक न्यू लेटर लिखवाता है जो उसे वो पोस्ट कर देता है। अब अगले दिन जब ये लेटर ज़ेंदिया को मिलता है तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, और उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि एबी से किसी ने ज़बरदस्ती ये लेटर लिखवाया, लेकिन ये बात दुनिया वालों को कौन समझाएगा। अब जब पुलिस को ये लेटर मिलता है जिसे देख के वो लोग अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर देते हैं, सारे वॉलेंटियर्स भी पीछे हट जाते हैं, किसी को भी अब वक्त बर्बाद नहीं करना था क्योंकि अब एबी तो भाग गई थी, किसी को भी पता नहीं होता कि एबी पर क्या गुजर रही है। और यहाँ बाहर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, सारे बोर्डिंग्स हट जाते हैं, पोस्टर हटा दिए जाते हैं, लेकिन ज़ेंदिया जो कि एक माँ थी वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी, इसलिए वो खुद ही अकेले अपनी बेटी को ढूंढने की ठान लेती है। और जब एक माँ कुछ ठान लेती है तो वो दुनिया को झुका भी सकती है। अब ज़ेंदिया एबी के रूम में जाती है जहाँ उसे उसके 40वां बर्थडे कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो उसे सीने से लगा लेती है और खूब रोती है। अब यहाँ पर दोस्तों पूरे 77 दिन बीत चुके थे और फिलिप्स एबी को एक नए घर में शिफ्ट करता है। दरअसल ये घर नहीं, एक कंटेनर होता है जिसकी दीवार पर साउंड प्रूफ लगे हुए थे, चारों तरफ यहाँ पर कैमरे थे, यानी कि वो पूरी तरह से फिलिप्स के कंट्रोल में थी। अब इसके बाद फिलिप्स वहाँ से जाने लगता है लेकिन एबी उसे रोक के उसे गले लगाती है, ये दिखाने के लिए कि वो फिलिप्स के साथ खुश है, और यहाँ पर फिलिप्स को भी उस पर ट्रस्ट होने लगता है। अब बोर्डिंग हटने की वजह से फिलिप्स बेहद खुश होता है क्योंकि अब पुलिस को एबी के इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब इसी तरह से दिन और महीने बीतने लगते हैं और फाइनली क्रिसमस आ जाता है। फिलिप्स एबी को एक गिफ्ट देता है जो असल में एक कुकिंग बुक होती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें किबी नाम लिखा होता है, और ये देखकर वो समझ जाती है कि इस आदमी का नाम किबी है।
अब यहाँ पर दोस्तों कीवी को लगने लगता है कि एबी उसे प्यार करने लगी है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और इसीलिए उसने वो बुक उसे दी थी ताकि वो उसे खाना वगैरह बना के दे सके। कहानी और आगे बढ़ती है और 102 दिन बीत जाते हैं, और इधर जेंदिया की भी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी थी। वो बस गॉड से प्रे करती है कि उसकी बेटी कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, बस वो सेफ रहे। इधर एबी भी यही प्रे कर रही थी, पर दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो दोनों बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हैं, और जब ऊपर वाली की मर्जी होगी तभी शायद वो एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। अब एक दिन की भी एबी के कंटेनर में ही सो जाता है उसी के साथ, और इसी बीच एबी उसका चेहरा देख लेती है। जब वो सो के उठता है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अपना वो मास्क पहनता है, पर एबी उसके करीब आके उसका मास्क उतार देती है। वो उसे ऐसा दिखाना चाह रही थी कि अब उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी है और अब से उसे चेहरा छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बेवकूफ़ एबी को भी उसकी बातों पर यकीन होने लग गया था, इस वजह से वो उसे लेके घर आ जाता है। वहाँ वो दोनों डांस करते हैं, पर एबी वहाँ चारों तरफ नज़रें घुमाती है। वो असल में वहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी। उसे वहाँ अपनी माँ का विजन भी आता है जो उसे पुकार रही थी कि बेटा आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कीबी उसके साथ बैठ के चेस खेलता है और साथ में अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगता है, जो एबी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। वो उसे बताता है कि बचपन में उसके सारे दोस्त उसे बुली करते थे और उसे कोई भी बात नहीं करता था, और यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, और यही वजह है कि वो अपना अकेलापन कम करने के लिए एबी को किडनैप करके लाया है। मतलब दोस्तों, लोग अकेलापन दूर करने के लिए गेम खेलते हैं, ये बंदा किडनैपिंग करता है। और कीबी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उससे बातें कर सके, उससे प्यार कर सके, और कहीं ना कहीं उसे ये भी लगने लगता है कि एबी का साथ उसे पसंद आ गया है। और इसी तरह से एबी उसे मैनिपुलेट करने की बार बार कोशिश करती रहती है और मौका देखती रहती है जिससे वो यहाँ से भागने का प्लान बना सके, लेकिन उसके कंटेनर का गेट हमेशा बाहर से लॉक होता है। और उसे ये भी पता था कि अगर उसने ज़रा भी कोई गलती करी तो ये आदमी उसे मार डालेगा, जो भरोसा उसने इतने दिनों में जीता है वो भी चला जाएगा, इसलिए उसे दिमाग से काम लेना होगा। अब फाइनली इतने दिनों बाद की भी एबी को लेके बाहर आता है, वो उसे लेके दूर हॉर्स कोर्स में जाता है जहाँ हम एक वाइट हॉर्स देखते हैं जिसे देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, और आज हमें एबी को इतने दिनों बाद हंसते हुए देखा था और उसे हॉर्स को देखकर, उसे छूकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। और इसी तरह से 180 दिन बीत जाते हैं एबी को वहाँ रहते हुए। अब यहाँ हमें एक दिन पता चलता है कि कीबी को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, ये बोल के कि वो बहुत ही चुतियापा करने लगा है, और नौकरी जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे लग रहा था कि बाकी लोग उसे जलते हैं इसलिए उसे यहाँ से निकाल दे रहे हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है जिससे वो और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। वो अब फेक करेंसी प्रिंट करने की सोच रहा था जिसमें एबी उसकी हेल्प करेगी, और उसे पता नहीं था कि ये आइडिया उसके लिए आगे जाके मुसीबत बनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ ये आइडिया एबी के लिए एक मौका हो सकता है यहाँ से भागने का। अब कहानी और आगे बढ़ती है और 215 दिन बीत जाते हैं। अब तो किसी को एबी की शक्ल तक याद नहीं थी, और जब से वो लेटर लोगों को मिला था उसके बाद से कोई भी उसके बारे में पूछता तक नहीं था। लेकिन जेंदिया एक माँ होती है, उसके दिल में उम्मीद हमेशा जिंदा रहेगी। उसे भगवान पर यकीन है कि एक न एक दिन उसकी बेटी वापस जरूर आएगी। इन 7 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिसमें कि उसने गॉड से प्रे नहीं किया होगा, और शायद यही वजह है कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। इधर दूसरी तरफ की भी उन करेंसी को यूज़ करना शुरू कर देता है, लेकिन एक लेडी को इस बारे में पता चल जाता है। उसे पता चल गया था कि ये नोट नकली है, वो फौरन इस बात की खबर पुलिस में कर देती है, और ये सुन के की भी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वो हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है। और उसे पता था कि अगर पुलिस यहाँ पर आई तो वो पूरे घर को चेक करेगी और हर चीज़ का DNA लेगी। अगर उन्हें एबी का DNA मिल गया तो वो पक्का जेल जाएगा, और इसीलिए वह एबी से रिलेटेड सारी चीज़ों को जला देता है। उसे पूरे घर की सफाई करवाता है, लेकिन यहाँ एबी अपना दिमाग यूज़ करती है। उसने अपने कुछ बाल टॉयलेट की सीट के पीछे गिरा दिए थे जिससे कि अगर वहाँ पुलिस आए तो उन्हें पता चल जाए कि वो यहीं थी। अब इसके बाद हम कीबी को देखते हैं जो एबी को गले से लगा कर रो रहा था, और ये कह रहा था कि उसे हर कोई नफरत करता है, वो इतना भी बुरा नहीं है। और एबी भी उसे झूठा सहारा देती है, उसे झूठा जिज्ञासा देती है ताकि वो उसकी बातों में आ सके। लेकिन थोड़ी देर बाद इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हम देखते हैं कि कीबी उसे लेके एक सुनसान जगह पे जा रहा था। यहाँ एबी को अब कंफर्म हो गया था कि ये आदमी उसे यहीं मारकर फेंक देगा। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि कीबी मैंने प्लीज़ ऐसा मत करो।
कि भी उसे चिल्ला कर चुप करवा देता है। और इसके बाद एबी उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके मानने के बाद वो उसकी लाश को उसके घर के आसपास ही छोड़ दे ताकि उसकी माँ उसे आखिरी बार देख सके। और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। अब एबी को वो अपने सामने खड़ा कर देता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तभी एक चमत्कार होता है, शायद ये जिंदा की दुआओं का असर था कि भी उसे मारता नहीं बल्कि उसके घर के पीछे छोड़ कर वहाँ से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एबी उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी। उसकी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया था जिसने उसे समझा था और यही वजह थी कि उसने उसे छोड़ दिया। अब एबी वहाँ से भागते हुए अपने घर आती है और अपनी माँ को पूरे 8 महीनों बाद देखती है। उसकी माँ उसे देखकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। और आज उनकी बेटी इतने महीनों बाद उनके सामने थी। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही है दोस्तों। लेकिन अभी एक काम बाकी था। अब जेंदिया इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उन्हें वही बाल मिल जाता है जो कि एबी ने टॉयलेट के पीछे छोड़ा था। तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि किबी ने ही एबी को किडनैप किया था। कुछ दिनों बाद वो अपनी मॉम के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ उसे वो हॉर्स दिखा था, पर इस बारी वो उसे कहीं नहीं दिखता। वहाँ के लोगों से उसके बारे में पूछती है तो उनका कहना था कि ऐसा कोई हॉर्स यहाँ है ही नहीं। उसे समझ आ जाता है कि वो एक एंजल था जो उसे एक मैसेज देने आया था कि हिम्मत कभी मत हारना, तुम ज़रूर एक दिन आज़ाद होगी और अपनी माँ के पास पहुँच जाओगी। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आखिर में बताया जाता है कि किबी को पूरे 45 साल की सज़ा हुई थी। वह एक तरफ एबी का अब 3 साल का बेटा है जिसके साथ वो और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।